माघ महा महत्तम अध्याय 5। हरे कृष्णा राधे राधे। माघ मास की ऐसी महिमा है कि इसमें गंगा का नाम लेकर स्नान करने से में हमें गंगा स्नान का फल मिल जाता है। बहुत पवित्र पावन महीना है, ऐसे ही छोड़ना नहीं, कुछ ना कुछ पुण्य कर्म जरूर करना। इस महीने में किए गए स्नान दान व्रत से भगवान श्री हरि विष्णु बहुत प्रसन्न होते हैं। आप नियम से ये माघ महत्तम सुन रहे हो, ये भी श्री कृष्ण की कृपा ही आप पे है। अब श्री गणेश जी महाराज और अपने गुरुदेव को याद करते हुए माघ महत्तम का अध्याय 22 सुनेंगे। तीन लोक 14 भुवन तेरी जय जयकार, हे गणपति गण देवता हर लो दुख अपार। बोलो गणेश जी महाराज की जय। गुरुर् ब्रह्मा गुरुर् विष्णु गुरुर् देवो महेश्वरा, गुरुर् साक्षात् परब्रह्मा तस्मै श्री गुरुवे नमः। गुरु गुरुदेव महाराज की जय। कल हम माघ महा महत्तम के अध्याय 21 में लोमेश ऋषि द्वारा वर्णित माघ मास में प्रयाग स्नान के महिमा का वर्णन सुन रहे थे। अब आगे श्री वशिष्ठ जी राजा दिलीप से बोले, हे राजन, अब मैं तुम्हें माघ मास का प्रभाव बतलाता हूँ, सुनो। इसे भक्ति पूर्वक सुनकर मनुष्य सब पापों से मुक्त हो जाता है। प्राचीन रथंतर कल्प के सतयुग में कुछ नाम के एक ऋषि थे जो ब्रह्मा जी के पुत्र थे। वे बड़े ही तेजस्वी और निष्पाप थे। उन्होंने कदम ऋषि की सुंदर कन्या के साथ विधि पूर्वक विवाह किया। उसके गर्भ से मुनि के वत्स नामक पुत्र हुआ जो वंश को बढ़ाने वाला था। वत्स की 5 वर्ष की अवस्था होने पर पिता ने उसका उपनयन संस्कार करके उन्हें गायत्री मंत्र का उपदेश दिया। अब वो ब्रह्मचार्य का पालन करते हुए भृगु कुल में निवास करने लगे। प्रतिदिन प्रातःकाल सायकाल अग्निहोत्र तीनों समय स्नान और भिक्षा के अन्न का भोजन करते, इंद्रियों को काबू में रखते, काला मृग चर्म धारण करते और सदा स्वाध्याय में ही लगे रहते। पैर से लेकर शिखा तक लंबा पलाश का डंडा जिसमें कोई छेद नहीं था लिए रहते थे। हाथ में सदा कमंडल धारण करते, स्वच्छ कोपिन पहनते, शुद्ध भाव से रहते और स्वच्छ यज्ञ पवित्र धारण करते थे। उनका मस्तक सदैव भस्म से सजा रहता। वो सबके नैनों को प्रिय जान पड़ते थे। प्रतिदिन माता पिता गुरु आचार्य अनेक बड़े बूढ़ों सन्यासियों तथा ब्रह्मवादियों को प्रणाम करते थे। वो सदैव यज्ञ में तत्पर रहते और शुभ कर्मों का अनुष्ठान करते। वो हाथ में पवित्री धारण करके देवताओं ऋषियों और पितरों का तर्पण करते थे। फूल चंदन और गंध आदि को कभी हाथ से छूते नहीं थे। मौन होकर भोजन करते थे। मधु और खारा नमक नहीं खाते थे, मधु यानी शहद। खड़ाऊ नहीं पहनते, सवारी पर नहीं चढ़ते, शीशे में मुंह नहीं देखते। नीला लाल और पीला वस्त्र खाट आभूषण तथा जो भी वस्तुएं ब्रह्मचारी आश्रम के प्रतिकूल बताई गई है उन सब का वो स्पर्श भी नहीं करते थे, उन्हें छूते भी नहीं थे। सदा शांत भाव से सदाचार में ही तत्पर रहते थे। ऐसे उत्तम आचारवान और ब्रह्मचारी का पालन करने वाले वत्स मुनि सूर्य के मकर राशि पे रहते माघ मास में भक्ति पूर्वक प्रातः स्नान करते थे। वे उस समय विशेष रूप से शरीर की शुद्धि करते। माघ स्नान से उन्हें आत्मिक प्रसन्नता मिलती और वो मन ही मन अपने भाग्य की सराहना करते हुए सोचते, अहो भाग्य मेरा जो मुझे इस पश्चिम वाहिनी कावेरी नदी में स्नान का अवसर मिला। समुद्र में मिली हुई जितनी नदियां हैं उन सब का प्रवाह जहां पश्चिम या उत्तर की ओर है उस स्थान का प्रयाग से भी अधिक महत्व बतलाया गया है। मैंने अपने पूर्व पुण्यों के प्रभाव से आज कावेरी का पश्चिम गामी प्रभाव प्राप्त किया। मैं कृतार्थ हूं कृतार्थ हूं कृतार्थ हूं।
इस प्रकार सोचते हुए वो प्रसन्न मन से कावेरी के जल में तीनों काल स्नान करते। उन्होंने कावेरी के पश्चिम गामी प्रवाह में 3 साल तक मार्ग स्नान किया। उसके पुण्य से उनका अंतकरण शुद्ध हो गया, वो ममता और कामना से रहित हो गए। तदांतर माता पिता और गुरु की आज्ञा लेकर वो सर्व पाप नाशक कल्याण तीर्थ में आ गए। उस सरोवर में भी 1 मास तक मार्ग स्नान करके उन ब्रह्मचारी वत्स मुनि ने तपस्या करनी शुरू कर दी। राजन, इस प्रकार उन्हें उत्तम तपस्या करते देख भगवान विष्णु प्रसन्न होकर उनके आगे प्रत्यक्ष प्रकट हुए और बोले, हे मृगशिंग, मैं तुम पर बहुत प्रसन्न हूं। ये कहकर भगवान ने उनके मस्तक का स्पर्श किया। तब वत्स मुनि समाधि से जाग उठे और उन्होंने अपने सामने भगवान विष्णु को देखा। भगवान विष्णु सहस्त्र सूर्यों के समान तेजस्वी, कौस्तुभ मणि धारण किए हुए, मन को शांति देते हुए दिख रहे थे। उन्हें देखकर वत्स मुनि ने बड़े वेग से उठकर भगवान को प्रणाम किया और बड़े भाव से उनकी सुंदर स्तुति की। भगवान की स्तुति और नमस्कार करके वत्स मुनि भगवान के सामने हाथ जोड़ के खड़े हो गए। उस समय उनके नेत्रों से आनंद के आंसू बह रहे थे और सारे शरीर में रोमांच हो रहा था। तब श्री भगवान ने कहा, हे मृगशिंग, तुम्हारी इस स्तुति से मुझे बड़ी प्रसन्नता हुई। माघ मास में इस सरोवर के जल में जो तुमने स्नान और तप किया उससे मैं बहुत संतुष्ट हूँ। हे मुने, तुम निरंतर कष्ट सहते सहते थक गए हो। दक्षिणा सहित यज्ञ दान नियम तथा यमों के पालन से भी मुझे उतना संतोष नहीं मिलता जितना माघ के स्नान से होता है। अब पहले तुम मुझसे वर मांगो। मुनि वत्स बोले, हे देवाधिदेव, संपूर्ण देवताओं द्वारा वंदित हे जगन्नाथ, आप यहाँ सदा निवास करें और सबको सब प्रकार के भोग प्रदान करें। आप सदा सब जीवों को सब तरह की संपत्ति दें। भगवान, यदि मैं आपका कृपा पात्र हूँ तो बस यही एक वर दे जिसका मैं आपको निवेदन कर रहा हूँ। हे कमल नयन, चरणों में पड़े हुए भक्तों का दूर करने वाले अच्युत, आप मुझ पर प्रसन्न हुई शरणागत, दीन वत्सल, मैं आपकी शरण में आया हूं। भगवान विष्णु बोले, भिक्षिंग एव मस्तु, ऐसा ही होगा। मैं सदा यहाँ निवास करूंगा। जो लोग यहाँ मेरा पूजन करेंगे उन्हें सब प्रकार की सुख संपत्ति दूंगा, विशेषतः जब सूर्य मकर राशि पे हो। उस समय इस सरोवर में स्नान करने वाला मनुष्य सब पापों से मुक्त होकर मेरे परम पद को ही पालेगा। व्यतिपात योग में अयन प्रारंभ होने के दिन, संक्रांति के समय, विष्णु योग में, पूर्णिमा और अमावस्या तिथि को तथा चंद्र और सूर्य ग्रहण के अवसर पर यहाँ स्नान करके दान देने से मनुष्य मेरे लोक में प्रतिष्ठित होगा। भगवान विष्णु के यूं कहने पर उस ब्राह्मण पुत्र ने पुनः उन्हें प्रणाम किया और भक्तों के अधीन रहने वाले श्री हरि विष्णु से फिर एक प्रश्न किया। हे कृपा निधि देवेश्वर, मैं तो कुछ मुनि का पुत्र वत्स हूं, फिर आप मुझे मृग श्रृंग कहकर क्यों संबोधित कर रहे हैं? माघ महा महत्तम अध्याय 22 समाप्तम। कल माघ महा महत्तम के अध्याय 23 में आगे की कथा सुनेंगे और जानेंगे भगवान विष्णु ने क्या जवाब दिया। तब तक याद कर लो, शन भंगुर जीवन है पगले, करले प्रभु का ध्यान ले, ना जाने देह का पंछी कब कर जाए प्रस्थान रे। ये याद रखो और मन में बिठा लो। जीवन का कोई भरोसा नहीं है, इसलिए अभी भी समय है, ज्यादा से ज्यादा नाम जाप करके इस जन्म को सफल बना लो और जन्म मृत्यु के चक्र से ही छुट्टी पा लो। बहुत हमारे शास्त्रों में क्लियरली लिखा है, कलयुग केवल नाम आधारा, सिर्फ नाम जाप करके ही हमें भक्ति, मुक्ति, प्रेम, शक्ति सब मिल सकती है। इसलिए अपनी हर सांस के साथ, हर समय, हर पल मन से, प्रेम से, भाव से जाप करते रहो, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। लास्ट में एक रिक्वेस्ट, प्लीज इन वीडियोस को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें
और माघ मास के इस प्रभाव को सबको बताओ, अपने शास्त्रों का ज्यादा से ज्यादा प्रचार करो, ये भी एक सेवा है। राधे राधे।